चिलचिलाती गर्मी का दिन था। कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिल रहा था। लगातार उड़ने के कारण वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और अपना धैर्य भी खो चुका था। उसे लगा आज तो वो मर ही जाएगा, लेकिन फिर उसने उड़ना स्टार्ट किया। उड़ते उड़ते वो अपने घर से बहुत दूर निकल गया था। उसने देखा कि कोई नदी में एक बूंद पानी नहीं बचा है। उड़ते उड़ते आसमान से उसने देखा कि बंटी कबूतर एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। वो बंटी कबूतर की तरफ उड़ा और उसने जाके पूछा, अरे भाई बंटी कबूतर, क्या हुआ? तुम भी क्या पानी की कमी के कारण बेहोश हो गए हो? पानी की कमी के कारण मैं फिर से उड़ान नहीं भर पाऊंगा। मेरे पंखों में कोई ताकत बची ही नहीं है। मैंने पानी की तलाश में बहुत मेहनत की, अब मैंने सारी उम्मीद खो दी है। अब तो बस मैं मौत का इंतजार कर रहा हूँ। अरे मेरे दोस्त, ऐसे हार नहीं मानते। हार मानने वालों की कभी जीत नहीं होती। तो धैर्य रखो, मैं जाता हूँ और पानी देख कर आता हूँ तुम्हारे लिए। बस क्या था, प्यासा कौवा दूर उड़ गया पानी की तलाश में, क्योंकि प्यास उसे भी लगी थी और उसके दोस्त को भी लगी थी। उड़ते उड़ते उसने देखा एक घर के छत पे एक बड़ा सा बर्तन रखा है। लेकिन जब वो उसके पास गया, उसको बर्तन में पानी तो दिखा, लेकिन वो पानी इतना नहीं था कि उसकी चोंच वहाँ तक पहुँच सके। तभी कौवे को अपनी माँ की सुनाई कहानी याद आई, जिसमें एक कौवा कंकड़ डाल के पानी ऊपर तक लाता है और उसको पी लेता है। बस क्या था, उसने कंकड़ जमा करने शुरू कर दिए और कंकड़ डाल डाल के उसने पानी ऊपर स्तर तक ले आया। उसने खुद भी पानी पिया और वो तेज़ी से उड़ता हुआ अपने दोस्त के पास गया और उसने बोला, अरे भैया, वहाँ पे मैं एक पानी का घड़ा मिला है, और जल्दी से चलो वहाँ पे और पानी पी लो ताकि तुम्हारी जान बच जाए। बस क्या था, ये सुनते के साथ ही बंटी कबूतर में एक साहस आया और उसने उड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो अपनी मंजिल तक चला गया और उसने वहाँ पे पेट भर पानी पिया और उसको फिर से एक जीवन मिल गया। धन्यवाद मेरे दोस्त, तुम्हारी हिम्मत के कारण आज मैं जिंदा हूँ। अगर तुम अपनी हिम्मत नहीं दिखाते तो शायद मैं मर चुका होता। अब मैं तुम्हारी बात और हिम्मत कभी नहीं हारूंगा। हमें एक दूसरे की ऐसे ही मदद करनी चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कठिन समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग हमेशा करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के उपयोग से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक जंगल में टूना चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और दो बच्चों के साथ रहती थी। उनका घर बहुत अच्छा चल रहा था जब तक बंटी कबूतर की नौकरी थी। कोरोना की वजह से बंटी की नौकरी चली गई, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी और घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। रात को जब बच्चे सो गए तो टूना ने अपने पति से कहा, अजी बस दो ही दिन का भोजन बचा है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे? क्या करूं, तुम्हें तो पता ही है कोरोना की वजह से मेरी नौकरी नहीं रही, अब दिन भर बस नौकरी ही ढूंढता रहता हूँ। तो अब हम क्या करें, कोई उपाय तो निकालना ही होगा। तुम फिक्र ना करो, मैं कल दूसरे जंगल जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए नौकरी ढूंढने, उसके बाद तुम लोगों को भी वहीं बुला लूंगा। ये कहकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह बंटी निकल ही रहा होता है कि टूना कहती है, अरे सुनिए जी, ये कुछ चने के दाने हैं, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना और अपना ध्यान रखना। बंटी वो चने की थैली के दाने लेकर निकल जाता है। रास्ते में नदी के ऊपर से निकलता है, लेकिन पानी पीने के लिए भी नहीं रुकता, क्योंकि अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था। आगे निकलते निकलते एक बड़े पत्थर के पास आराम करने के लिए बैठ जाता है और चनों की थैली खोलकर खा ही रहा होता है कि वहाँ एक काली सी चिड़िया आ जाती है और उससे कहती है, मैं बहुत ही भूखी हूँ, प्लीज मुझे खाने को दे दो कुछ। बंटी उसे अपने दाने दे देता है और चिड़िया वो दाने खाकर अपनी भूख मिटाती है। और ये क्या, दाने खाते ही वो एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। बंटी बहुत ही हैरान होता है और उससे कहता है, अरे तुम तो एक परी हो। हाँ, मैं एक बार जंगल में खेल रही थी, गलती से जादूगर को जगा दिया, जिससे उसने मुझे श्राप देकर काली चिड़िया बना दिया। और इसका इलाज था कि कोई भूखा पक्षी मुझे अपना सारा खाना खिला दे,
तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। शुक्रिया भले कबूतर, तुमने मेरी मदद की। श्राप से मुक्त होने के बाद उस परी ने बंटी कबूतर को एक जादुई झूला दिया और कहा, मुझे पता है कि तुम कितने परेशान हो, फिर भी मेरी मदद की। ये चूल्हा ले जाओ, इस पर सिर्फ पतीला चढ़ाना और जादुई मंत्र बोलना, इसमें खाना खुद ही आ जाएगा। जादुई मंत्र है आबरा कडाबरा छू मंत्र। उस जादुई चूल्हे को घर ले जाता है और अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। उन्होंने उस चूल्हे पर पतीला रखा और मंत्र पढ़ा और उस दिन उन्होंने पेट भर कर खाना खाया। कुछ दिन बीत गए, टूना गहरी सोच में बैठी थी। बंटी पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? तो टूना जवाब देती है, हमारे जैसे और भी मजबूर लोग जंगल में रहते हैं, क्यों ना हम ढाबा खोले, उन्हें मुफ्त में खाना खिलाए और अमीर लोगों को भी सस्ते में खाना खिला दें। और उन्होंने ऐसा ही किया। पूरा जंगल उनके पास खाना खाने आता था। उनका होटल खूब चल पड़ा। एक दिन कालू कौवे की बुरी नज़र उन पर पड़ी और वो सोचने लगा कि ये लोग इतना सारा खाना आखिर बना कैसे लेते हैं। एक दिन वो चुपके से उनकी किचन की खिड़की से देख रहा था कि बंटी ने पतीला रखा चूल्हे पर और एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही पतीले में खाना आ गया। वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ और उनके जाने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वो लोग जाते हैं, वो चूल्हा चुरा कर अपने घर ले जाता है। जब टूना और बंटी वापस घर आते हैं तो देखते हैं कि चूल्हा गायब था। दोनों परेशान हो जाते हैं। टूना रोने लगती है, बंटी भी परेशान होता है, लेकिन टूना को संभालने के लिए हिम्मत से काम लेता हुआ बोलता है, ऊपर वाले ने हमारी बहुत मदद की है और इस लायक भी हैं कि हम खूब सारा खाना पकाकर होटल को अभी भी चला लें। ये बिल्कुल सही कहा आपने, हम पक्षियों को भूखा नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ वो कालू कौवा अपनी बीवी को सब कुछ बताता है। उसकी बीवी जल्दी से पतीला लाती है और उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ा देती है। कालू कौवा मंत्र गलत पढ़ देता है, साबरा का झाबरा छू मंत्र, और पतीले में खाना भर जाता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते पतीले दो, फिर चार, फिर पचास, और देखते ही देखते पूरा घर भर जाता है पतीलों से। अरे इसे बंद करो कोई, वरना हम मर जाएंगे। उनका पूरा घर खाने और पतीले से भर गया कि वो दोनों मर गए और वो जादुई चूल्हा अपने असली मालिक के पास वापस पहुंच गया। टूना और बंटी उस चूल्हे को देखकर बहुत खुश हुए। सुबह सुबह रानी अपनी माँ टूना और पापा के साथ नाश्ता कर रही थी। इसी बीच रानी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मम्मी पापा, हमें सैटरडे आर्ट गैलरी जा रहे हैं। स्कूल टीचर ने कल ही हमें बताया, बहुत मजा आएगा। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। अच्छी बात है रानी, ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्ट लेना ही चाहिए। अच्छी बात है, गुड गुड। लेकिन पापा, सैटरडे से पहले मेरा चश्मा आ जाएगा ना? मुझे अपना चश्मा पहनकर ही आर्ट गैलरी में जाना है। पहली बार जा रही हूँ तो चश्मा पहनकर ही जाऊंगी, वरना मैं ठीक से देख भी नहीं पाऊंगी कुछ। हाँ हाँ रानी बेटा, चश्मा जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन तुम मोबाइल पे ज़्यादा वक्त बिताना कम कर दो, मोबाइल की वजह से ही तुम्हें यह चश्मा लगा है। अरे मम्मी, चश्मा तो फैशन का ही हिस्सा है, मुझ पे चश्मा बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन रानी बेटा, तुम चश्मिश हो जाओगी। फ्राइडे रात को पापा ने रानी को उसका नया नंबर वाला चश्मा दिया। रानी तो अपने चश्मे को देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। उसने चश्मा पहन कर देखा और आईने के सामने खड़ी हो गई। टूना रानी के रूम में दूध रखने के लिए आई तो देखा रानी आईने के सामने खड़ी होकर काफ़ी देर तक खुद को देख रही है। तो टूना ने कहा, चलो बेटा, सोना नहीं है क्या? मम्मी देखो ना, कितना फैंसी लग रहा है मेरा चश्मा, मुझे बहुत अच्छा लगा यह फ्रेम। मैं एक और फ्रेम बना के रखूँगी ताकि अदल बदल कर पहन सकूँ। रानी की बात सुनकर टूना को हैरानी हुई कि रानी अपनी कमज़ोर नज़र को लेकर दुखी होने की बजाय नए चश्मे के फैशन के नाम पर खुश हो रही है। रानी को उस वक्त टूना ने कुछ नहीं बोला और रानी का दूध टेबल पर रख कर चली गई।
अगले दिन सैटरडे को रानी अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ स्कूल बस में आर्ट गैलरी पहुंची। आर्ट गैलरी बहुत बड़ी थी। रानी और उसके दोस्त पहली बार आर्ट गैलरी में आए थे। हर जगह बड़ी बड़ी पेंटिंग और पुराने स्टैचूज रखे थे। जिस तरह आर्ट गैलरी में रखी पुरानी चीज़ों ने सभी बच्चों को अट्रैक्ट किया, उसी तरह रानी के फैंसी और चमकदार चश्मे ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सभी बच्चों ने चश्मे की बहुत तारीफ करी और बोले, वाओ रानी, कितना अच्छा चश्मा है तुम्हारा, कितना फैंसी है ये। सच में रानी, बहुत अच्छी दिख रही हो तुम इस चश्मे में। मैं भी अपनी मम्मी से बोलकर चश्मा बनाऊंगा और कहूंगा मेरी भी नजर कमजोर हो गई है। सोनू केकड़ा की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। दूसरी तरफ टूना घर में रानी को लगे चश्मे के बारे में बैठकर सोच रही थी। टूना ने फोन पे रानी की नानी से बात की तो उन्होंने बताया कि रानी अगर योगा करेगी तो उसकी नज़र फिर से ठीक हो सकती है। टूना को रानी की फिक्र होने लगी और उसने सोच लिया था कि आज वो रानी से साफ साफ बोल ही देगी कि वो ज़्यादा फ़ोन में गेम ना खेले और योगा करना शुरू कर दे। शाम को स्कूल से आने के बाद रानी ने रोज़ की तरह मम्मी का फ़ोन लिया और मोबाइल पे गेम खेलने लगी। टूना किचन में काम करते हुए बोली, रानी बेटा मोबाइल चार्ज नहीं है। तो रानी मोबाइल चार्जिंग में लगाकर फिर से गेम खेलने लगी। टूना सब देख रही थी और उसने गुस्से में बोला, हद है रानी तुमसे, यही वजह है कि तुम्हें चश्मा लगा है। नानी ने भी डांटा है तुम्हें, तुम्हें योगा करना चाहिए, ना कि इस तरह से घंटों से मोबाइल में गेम खेलते रहना चाहिए। मम्मी, मेरे सभी दोस्तों को मेरा चश्मा अच्छा लगा, और चश्मा तो हर किसी को लग ही जाता है, मुझे अच्छा लगता है चश्मा। रानी की बातों से टूना एक बार फिर हैरान हो गई। अगले दिन रानी अपनी मम्मी टूना के साथ बाजार सब्जी खरीदने गई। रानी अपना चश्मा बिल्कुल नहीं भूली। बाजार में एक बूढ़ी मछली रास्ता क्रॉस कर रही थी और उसे देखकर समझ आ रहा था कि उस बूढ़ी मछली की नज़र काफ़ी कमज़ोर है और वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। तभी रास्ते में चल रहे एक केकड़े ने उस मछली की हेल्प की और रास्ता क्रॉस कराया। टूना और रानी ने भी सब देखा तो टूना रानी को समझाते हुए बोली, देखा रानी, नज़र कमज़ोर होने से कितनी परेशानियाँ होती है, वो बेचारी अपना रास्ता भी खुद क्रॉस नहीं कर पाई। टूना की बात से रानी एकदम से सहम गई। टूना और रानी बाजार से घर लौट आए। तभी रानी के घर उनका पड़ोसी बंटी ऑक्टोपस आया और रानी को देखकर बोला, टूना बहन, रानी को चश्मा कैसे लग गया, ये तो ठीक बात नहीं। बेटा, तुम्हें आगे चलकर बहुत तकलीफ होगी, तुम्हें हमेशा बस अपना चश्मा ढूंढते ही रहना पड़ेगा और लोग भी तुम्हें चश्मिश बोलेंगे। धीरे धीरे रानी को एहसास होने लगा कि वो कितना गलत सोच रही थी। तो उसने कहा, हाँ ऑक्टोपस अंकल, आगे चलकर तो मैं ठीक से रोड भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगी। टूना समझ गई कि उनकी बात का असर रानी पे होने लगा। और नहीं तो क्या, स्कूल से आते ही बस मोबाइल में गेम खेलती रहती है और नज़र कमज़ोर हो गई है। नहीं मम्मी, मोबाइल में बिल्कुल भी गेम नहीं खेलूंगी, अब मुझे चश्मा हमेशा के लिए निकालना है। मैं अपनी नज़र फिर से तेज़ करना चाहती हूँ। कल ही मैं अपने योगा टीचर से नज़र तेज़ करने की एक्सरसाइज पूछ लूँगी। अब मैं रेगुलर योगा करूँगी और ज़रूर अपनी नज़र तेज़ करूँगी। अगले दिन रानी अपने योगा टीचर से एक्सरसाइज पूछ लेती है और रोज़ करने लगती है। कुछ ही महीनों में रानी के चश्मे का नंबर कम हो गया और रानी ने मम्मी को प्रॉमिस किया कि वो अब से ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं